14 14 साल लड़की को जो इतना खूबसूरत उसको जमा करके बेहोश करके ताबूत में एक जगह जमा करके पाकिस्तान भेज दिए। हमारे में क्या बचा? इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, हमारा कातिल छीन लिया हमारा। फिर ये जुल्म है, फिर केस के इस ये सितम को आप लोग क्या नाम दे सकती हो? What happened if you go back to Afghanistan? I will die. Simple. Disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. गर्ल्स और वुमेन्स को के मतलब अभी वो तालिबान उठा के घरों से लेके जा रहे हैं, सो जब उनकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनेगी तो तब क्या होगा? सो ये बहुत ही बड़ा डर है मुझे और जितने भी मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स जो रह रहे हैं अफगानिस्तान। टू मच वरी बिकॉज माई मैम शी इज़ वर्किंग आउटसाइड नाउ, दे आर इन होम, माई स्मॉल सिस्टर्स दे आर गोइंग टू स्कूल बट दे आर स्टेइंग नाउ इन द होम, दे कांट गो आउटसाइड, लाइक आई एम टू मच वरी। The world abandoned Afghanistan. Our friends are gonna get killed. They're gonna kill us. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Studying will be finishing, going to here. This is it. I just go to at home, be a housewife, to do house stuff. That's it. And I don't want to go to Afghanistan. I'm very confused about myself. I'm about my future. There is no way, no chance for me to go back at all. Even if I go back. Directly they will kill me. The ladies part, they're really scared about, because we already have that experience that they Taliban the terrorist group directly punish this ladies, especially girls. I still remember the Taliban regime in 1990s, which I was so young. But I still remember how horrible it is to live under Taliban regime. I even prefer to live here and even to do suicide here, but not go back to my country. लेडीज को जाने स्कूल नहीं देगा, जेंट्स को नहीं देगा, किसी को जाने बाहर नहीं देगा। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। हम सर नहीं करते लेडीज को, पर 14 14 साल लड़की को जो इतना खूबसूरत उसको जमा करके बेहोश करके ताबूत में एक जगह जमा करके पाकिस्तान भेज दिए। हमारे में क्या बचा? इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, हमारा कातिल छीन लिया हमारा। क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके की मांग को लेकर के यहाँ आए? सर हम इसलिए यहाँ पे आई आज के क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन सब दुनिया को पता है। अभी तालिबान ने प्लानिंग करके हमारे कंट्री को छीन लिया। जैसा कि एक माँ को दूध नहीं, उनको बच्चे को देने के लिए जमी मार गई, सिर्फ नहीं, क्या है फिर? जो कह रही
کہ ہم ظلم نہیں کریں گے. ظلم نہیں پھر کیا ہے جو ایک آدمی کو حلال کیا. خاندان میں ایک آدمی کو ایک ماسکر کو جو آرمی کیمرا اس کے پاس بھی تھا اور انہوں نے اپنی کیمرا کو چینج کیا, وہ چینج نہیں کیا تھا, پھر ان کو حلال کیا, اس کا اسلحہ لے لیا, بندوق لے لیا, اس کا حلال ہوا. یہ ظلم نہیں کیا ہے پھر؟